यार ललित तू समझ नहीं रहा है, हमें कैसे भी करके ना सारी वैकेंसी फुल करनी है। अब यार इतने शॉर्ट पीरियड में वैकेंसी फुल होगी ऐसे? तू वो सब छोड़, तू ये बता तूने अब तक कितने लोगों का इंटरव्यू दिया है? केवल एक। एक? और क्या, 10,000 की सैलरी से उनका कैंडिडेट आई नहीं है। हाँ ललित, तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जब बॉस ने सैलरी 10,000 सेट कर रखी है तो तू और मैं कर भी क्या सकते हैं? अब यार इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है नहीं। अब यार देख, मैं भी अपने सर्वेंट को ना 8,000 ही पे करता था। भैया तू ठहरा अमीर। हाँ वैसे सर्वेंट से याद आया, कोई मिला अभी तक? नहीं मिला। वैसे तूने कहीं ऐड भी तो दिया हुआ था, वहाँ से कोई मिला? नहीं यार, कहाँ मिला है, न्यूज़पेपर में भी ऐड दे रखा है। चल फिर तो तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ठीक है, कोई मिले तो बताना। ओके बाय बाय। 10,000 सैलरी पे कर रहा है, क्या होता है 10,000 में? कोई रूल 5,000 से कम का नहीं होता। अब कौन आया है? आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। यस हेलो सर। हेलो सर, मैंने अखबार में ऐड देखा था। न्यूज़पेपर में ऐड? वो तो मैंने सर्वेंट की जॉब के लिए दिया था। सर मैं उसी नौकरी के लिए आया हूँ। तुम सर्वेंट की जॉब के लिए आए हो? जी सर। लेकिन तुम तो क्या हुआ सर, आपको मैं अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, एक काम करो तुम अंदर आओ। आओ अंदर आ जाओ। तो कितने पढ़े लिखे हो तुम? मैं कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है मुझे। ओके, और क्या क्या काम कर लेते हो? सर मुझे सारा काम आता है, वेज हो या नॉन वेज, हर तरह का खाना बना लेता हूँ मैं। झाड़ू लगाना, पोंछा करना, पैर दबाना, और हाँ सर मुझे बॉडी मसाज बहुत अच्छे से करना आता है। आई होप यू विल लाइक इट। ओह इंग्लिश? थैंक यू सर, बस थोड़ी बहुत आती है। ओके ठीक है, सैलरी का तुम्हें पता ही है 8,000, और महीने में 2 छुट्टी कर सकते हो, बट लगातार नहीं। ओके सर, मैं छुट्टी करूँगा ही नहीं। अच्छी बात है। सर मैं आपका फ्लैट देख सकता हूँ? ओके देख लो। कमरा? तुम्हारा कमरा? तुम्हारा कोई कमरा नहीं है। तो सर मैं सोऊंगा कहाँ? तुम एक काम करना, तुम अपना गद्दा जमीन पर डाल देना। और पहले वाला सर्वेंट भी जमीन पे ही सोता था। जमीन पे? फिक्र मत करो, मेरे घर में चूहे नहीं है। ठीक है सर। ठीक है तो फिर लग जाओ काम पर। बताइए सर क्या काम करना है? लंच बना दो, देखते हैं कैसा खाना बनाते हो तुम। ठीक है। ओके फिर मैं नहा कर आता हूँ। ओके आठ हजार सैलरी, एसी रूम, हैंडसम बंदा और मनचाहा खाना। तेरे तो मजे हैं मोहित, तेरी तो लॉटरी लगा। वो कवर में टॉवल रखी होगी, जरा दे देना। आया सर, आया सर, आया। मिली? नहीं सर, नहीं मिली। यहाँ पर नहीं मिल रही। देखो वहीं होगी। देख ली सर,
यहाँ नहीं है यार, वहीं रखी थी मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ और दूं? और कुछ क्या दोगे? कोई और कपड़ा? रुको, मैं ही आता हूँ लेने के लिए। दिखाओ मुझे। कहाँ जा सकती है? इसमें देखता हूँ। कहाँ चली गई यार? कबड़ में ही तो रखी थी मैंने। वो क्या है? अरे सर, ये तो यहाँ रखी है, हम ही निकाल देते हैं। लीजिए सर। लेकिन ये टॉवल वहां किसने रखी? पता नहीं सर, हम तो किचन में थे। लीव इट। ये जलने की स्मेल कहां से आ रही है? लीजिए सर, आप खाना खाइए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। थैंक यू सर। अच्छा बना देते हो। अच्छा सुनो, अभी मैं खाना खाने के बाद सोने चला जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी नाइट शिफ्ट है। ओके? तो रात को आप घर नहीं रहोगे? नहीं नहीं, मैं घर पर ही रहूंगा। एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सो नाइट में जागना पड़ता है। अभी मैं सोने चला जाऊंगा। और मेरे बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तुम उनको धोकर सुखा देना। ओके? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। अरे मैंने बाद में बोला था। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, वो क्या था ना कि सारा काम हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करें। तो इसीलिए तुम मुझे देख रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं आपके पाँव को देख रहा था। मुझे लगा कि आप मुझे आवाज़ देंगे और कहेंगे कि आकर मेरे पैरों की मालिश कर दे। मालिश? नहीं नहीं, मुझे पाँव की मालिश वालिश करवाना पसंद नहीं है। क्या सर, ये तो मेरी ड्यूटी है, और वैसे भी आप सारा दिन काम करते रहते हैं, बैठे बैठे पाँव में दर्द हो ही जाता है। लाइए ना सर, मैं मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर, लाइए ना, मैं कर देता हूँ। लेकिन यहाँ बेड पर? तो कहाँ करवाएंगे सर? सर, आपको मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना, मैं बहुत अच्छी मसाज करता हूँ। यू विल लाइक इट। देखना जरा कौन आया। उपेन है? हाँ है, आइए ना। अरे ललित, आजा आजा। हाय। कैसा है? बढ़िया। ये तू नंगा गुंगा क्यों बैठा है? हाँ? अरे यार, बस वो मसाज करवा रहा था मोहित से। मोहित? हाँ हाँ, मेरा नया सर्वेंट। ओ, तेरा नया सर्वेंट। लेकिन इसने मास्क क्यों लगाया हुआ है? अरे हाँ मोहित, ये तुमने अचानक से मास्क क्यों लगा लिया? वो क्या है ना सर,
ये बाहर से आए हैं इसलिए। तो क्या हुआ? अब तो उसने भी सेफ्टी किट लगा लिया। लेकिन घर पे मास्क कौन लगाता है भाई? अरे यार तू उसे छोड़ ना, तू ये बता क्या हुआ नहीं ज्वाइन का? इंटरव्यूज हुए थे यार, लेकिन 10,000 की सैलरी सुनकर लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, और बॉस ने हमें से 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और अगर 5 दिन में हमने वैकेंसी फुल नहीं की तो हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन तू तो कह रहा था कि एक बंदा पक्का ज्वाइन कर लेगा, उसका क्या हुआ? हाँ यार, उससे सारी बात हो तो गई थी, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया, और अब तो वो फोन भी नहीं उठा रहा। लेकिन यार ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तू चिंता मत कर, हम लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। चल ठीक है, और बता क्या चल रहा है? सब बढ़िया, लेकिन तेरे तो मजे हैं। हाँ, मसाज वसाज? अरे यार बस ऐसे ही, बहुत अच्छी मसाज करता ही है, मैं तो कहता हूँ तू भी करवा ले। अरे यार मेरा मसाज वसाज करवाने का कोई मूड नहीं है, तू ही करवा। चल ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग सब लोगों को एक बार और कॉल मिला लेते हैं, उससे क्या होगा इनकेस कोई शायद हमारी जॉब को ज्वाइन कर ले। हाँ ये तो ठीक कर रहा है, मैं कॉल करता हूँ। वेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो इसे? हाँ यार, ये अपने ऑफिस आया था इंटरव्यू देने के लिए, और यही तो था जिसने ज्वाइन करने के लिए बोला था, लेकिन आया ही नहीं फिर ये। व्हाट, ये क्या कह रहा है तू? यार मैंने खुद इसका इंटरव्यू लिया है। ये कैसे हो सकता है, ये तो बेचारा अनपढ़ है। यार तूने किसी और का इंटरव्यू लिया होगा। अगर मैंने किसी और का इंटरव्यू लिया होता तो मेरे पास इसका नंबर कैसे होता? तू पूछ इससे। हाँ ये भी बात है। क्यों मोहित, ये क्या कह रहा है? क्या सर, आप तो मुझे ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा चोर हूँ। सर गया था मैं इनके यहाँ इंटरव्यू देने। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो। सर वो मैंने आपसे झूठ बोला था। लेकिन क्यों? सर अब आप ही बताइए, 10,000 में क्या होता है? 5,000 का रूम रेंट, 3,000 रुपये का खाना पीना, और बाकी का किराए में चला जाता है। लेकिन तुम्हें तो यहाँ केवल 8,000 ही मिल रहे थे ना? सर बाकी के पैसे बच भी तो रहे थे सारे। वो कैसे? आप देखिए ना सर, रहना खाना पीना और आई लाइक बॉयज़।